नमस्कार जुहार। सबसे पहले सुनते हैं सुर्खियाँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर केंद्रीय विदेश मंत्री से किया आग्रह। बोकारो निवासी मोहम्मद जाहिद अख्तर के पार्थिव शरीर को दुबई से वापस लाने में करे मदद। आदिवासी सोशल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कई मांगों को रखा। मुख्यमंत्री ने मांग पर विचार करने का दिया भरोसा। आप झारगोफ टीवी का डिजिटल रेडियो सुन रहे हैं। आप इसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के ट्वीट की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बोकारो निवासी मोहम्मद जाहिद अख्तर के पार्थिव शरीर को दुबई से बोकारो लाने का आग्रह किया। बता दें, बोकारो निवासी मोहम्मद जाहिद, जो कि बोकारो के मखदमपुर निवासी थे, लॉकडाउन के दौरान दुबई में आकस्मिक मौत हो गई, लेकिन अब तक पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर नहीं पहुँच सका। साथ ही सीएम ने उपायुक्त बोकारो को निर्देश दिया कि विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर पीड़ित परिवार को जरूरी सहायता प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी सोशल एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को एसोसिएशन के सदस्यों ने संथाली एकेडमी का निर्माण, संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा, संथाली शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्त संथाली शिक्षकों को समय पर वेतन एवं संथाल बहुल क्षेत्रों में कक्षा 1 से पीजी तक की पढ़ाई संथाली भाषा में करने संबंधी मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने मांग पर विचार करने का भरोसा एसोसिएशन के सदस्यों को दिया। साथ ही एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण के दौर में बेहतर काम करने के लिए मुख्यमंत्री को उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से साईनाथ यूनिवर्सिटी उरमांझी के वाइस चांसलर डॉक्टर एसपी अग्रवाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को डॉक्टर अग्रवाल ने यूनिवर्सिटी में संचालित विभिन्न कोर्स की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में राज्यवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री को स्वामी सदानंद ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट की ओर से कोरोना संक्रमण के दौर में किए गए इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोफ टीवी का डिजिटल रेडियो। नमस्कार।